उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के रहने वाले अखिलेश सिंह टनल से बाहर निकल चुके हैं। टनल से बाहर निकलने के बाद अखिलेश सिंह ने परिवार वालों से बातचीत की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अखिलेश की बातचीत हुई है। मिर्जापुर जिले के रहने वाले अखिलेश कुमार उत्तराखंड के सिलक्यारा में टनल में काम करते वक्त फंस गए थे। रेस्क्यू टीम ने मंगलवार की देर रात्रि अखिलेश को बाहर निकाला था, जिसके बाद उनकी परिजनों से बात हुई थी। परिजनों से बातचीत के दौरान अखिलेश ने खुद को स्वस्थ व सुरक्षित बताया था, जिसके बाद घर पर दीपावली की तरह जश्न मनाया गया था। बता दें, मिर्जापुर जिले के घरवासपुर गांव के रहने वाले अखिलेश सिंह उत्तराखंड के नवयुवा कंपनी में बतौर सुपरवाइजर तैनात हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल के अंदर खुदाई के वक्त 41 मजदूरों के साथ अखिलेश भी फंसे हुए थे। अखिलेश सिंह के टनल में फंस जाने के बाद गांव में दीपावली नहीं मनाई गई थी, जहां परिजन काफी उदास थे। 17 दिनों के बाद टनल के अंदर से अखिलेश को बाहर निकाल दिया गया। अखिलेश ने बाहर निकलते ही अपने परिवार के लोगों से बातचीत की। बातचीत के दौरान अखिलेश ने कहा कि यह प्राकृतिक आपदा है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। वहीं अखिलेश के पिता रमेश कुमार ने कहा कि 17 दिन हम लोगों के बड़े कष्ट में गुजरे। हम लोग भगवान से पूजा अर्चना करते थे, जहां सलामती को लेकर दुआ करते थे। खुशी बहुत है, खुशी का तो ठिकाना नहीं है। गांव घर सभी लोग खुश हैं, सारी जनता खुश है, विश्व में भी लोग खुश शांति हैं, खुश हैं। यही दीपावली तो हम लोग का नहीं ठीक से हुआ, लेकिन अब आज दीपावली हम लोग ही मनाएंगे। 17 दिन तो ठीक से नहीं बिता, इधर उधर करवट बदल के हम लोग की नींद नहीं आती थी, ठीक से भोजन भी नहीं अच्छा लगता था, लेकिन काम भी नहीं हम लोग कर पाते थे। इसी में इधर उधर इनसे उनसे समाचार लेते थे, टीवी में देखते थे। इसी के द्वारा हम लोग भगवान पर भरोसा किए और सरकार पर भी भरोसा किए। आए हुए टीम जो थे उनको भी पर भरोसा था कि भाई मेहनत कर रहे हैं, भगवान उनको शांति दें, विश्व में शांति रखें, सबको भगवान से फूलों का वर्षा करें। उनका लोग का धन्यवाद हम मनाना चाहता हूं कि हमारे बच्चों को सुरक्षित निकाली, हम बहुत बहुत उनके आभारी हैं। बहुत खुशी है, हमारे पास खुशी का सब बयान करने के लिए कोई शब्द नहीं है। इतना कौतूहल मन में बसा हुआ है, खुशी का माहौल हमारे घर परिवार में छाया हुआ है। ही गम का माहौल था, कभी कभी खुशियों का माहौल बन जाता था, तो कभी कभी ऐसा माहौल हो जाता था कि काफ़ी लोग दुख के मारे इतने दुख में डूब जाते थे, पता चलता कि कुछ कहने के लिए कुछ शब्द नहीं बचता था, काफ़ी गम में डूब जाते थे लोग।